समाजवादी शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष संजय प्रियदर्शी के नेतृत्व में रोहनिया विधानसभा मदरवा गांव में मोटरसाइकिल व गैस सिलेंडर को गंगा में विसर्जित कर अनियंत्रित महंगाई का कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। संजय प्रियदर्शी ने कहा कि सरकार संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। एक तरफ जनता आर्थिक तंगी से गुजर रही है और वहीं दूसरी तरफ सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि कर जनता को भुखमरी के कगार पर पहुंचाने पर तुली हुई है। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पेट्रो पदार्थों के मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की और कहा कि यदि इसे वापस नहीं लिया गया तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से बिहारी राजभर, भोला राजभर, सुरेश राजभर, समीर राजभर इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम लोग मदरवा में शीतला घाट पे जिस तरह से सरकार संवेदनहीन हो करके और आए दिन पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में वृद्धि कर रही, जिससे कि महिलाओं का घर गृहस्थी चलाना एक दुरूह कार्य हो गया है, जबकि देश पूरे संक्रमण काल से गुजरने के बाद इस समय जो है किसी तरह से जो है जीवन यापन करने के लिए लोग अपना तैयारी कर रहे थे, तब तक जो है सरकार अचानक से महंगाई डीजल के दाम में वृद्धि करके, पेट्रोल के दाम में वृद्धि करके और गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि करके लोगों की कमर तोड़ने का काम की है। सरकार की संवेदनहीनता है जिसका समाजवादी पार्टी घोर विरोध करती है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि गैस सिलेंडर की वृद्धि से घर में चूल्हा चौका बर्तन करना जो है मुश्किल हो गया महिलाओं के लिए और घर की गृहस्थी का पूरा बजट बिगड़ चुका है, जिसके कारण आज समाजवादी पार्टी जो कि सदैव जनहित की लड़ाई लड़ती है, इसलिए आज हम समाजवादी लोग उतर करके और सरकार को चेताने का कार्य किए हैं कि अगर सरकार अविलंब पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्यों में वृद्धि वापस नहीं लेती है तो समाजवादी बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य और विवश होंगे।